राहुल जी ने, सोनिया जी ने, सारी लीडरशिप ने जो आज हिंदुस्तान बंद का सदा दिता अगेंस्ट आ प्राइस राइज ऑफ दिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट लॉ एंड ऑर्डर इंप्लाइज सारे में रल के अज बेनती कर रही है शायद मैं ढंग से बेनती कर रही हाँ कि यह जरा प्रोटेस्ट है ये मोदी सरकार के अगेंस्ट आ जिस मोदी सरकार ने अज 73 रुपये $73 पर बैरल क्रूड है जोड़ा पेट्रोल है 82-83 रुपये विक रहा जो 73 रुपये डॉलर $73 एक बैरल हुंदा सी उदों इहदे नालों अद्धी कीमत दे उत्ते पेट्रोल डीजल दिता जांदा सी सो लोकां दा इन्हां ने हिंदुस्तान दे विच ऐसा मलिया मेट किया है कि लोग उठ के अज गलियां दे विच आए आ प्रोटेस्ट करते मोदी सरकार दे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते और मोदी सरकार नूं अज दे लोग दस देणगे अज दा प्रोटेस्ट जिहड़ा दस देगा अज दा जो अपना बंद है दसेगा कि आने वाली सरकार जी वो कांग्रेस पार्टी की और यूनाइटेड सरकार आएगी मैं सारिआं नूं बेनती करदा कि शांतमई ढंग दे नाल सारिआं नूं बेनती करनी आ वी आओ रल मिल के मेरे वीरो अज दे बंद नूं सक्सैसफुल करिए और तगड़े हो के इस सरकार नूं जल्दी करिए चले अज सारा हिंदुस्तान मोदी सरकार की गलत नीतियां दे नाल अज दबिया ते कुचलिया होया है राहुल गांधी जी की एक आवाज़ के नाम अज सारा हिंदुस्तान खड़ा हो गया है असी सारे हिंदुस्तान के जिहड़े निवासी हैगे हैं ये राहुल गांधी जी के नाल हैगे हैं मैं सारिआं दा बहुत पहला तो धन्यवाद करता है जिन्होंने अज इस प्रदर्शन के साडा सहयोग दिता तो जी महंगाई की मार हैगी है ये लोग जी मूँह तोड़ जवाब मोदी 2019 दे बैठे है तो मैं सारिआं दा यही हाथ जोड़ के बेनती करता है कि जी तहनाशाही वाली सरकार हैगी है जिन्हों आप 2019 ला के लोकप्रिय जोड़े साडे नेता है उन्होंने सत्ता के लेके आए जय हिंद अज जो कांग्रेस पार्टी वालों भारत बंद का ऐलान किया गया समूह देश के लोगों को देखते हुए किया गया क्योंकि लोग इस सरकार तो महंगाई तो मार तो बहुत परेशान ने और बहुत तंगी हालात ने लोग दबी जबान बोलते हैं लोगों को गुमराह किया जाता डर पाया जाता जे कोई अपना आवाज़ चकता तो आवाज़ में दबाया जाता वा सो असी इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं मोदी सरकार जो कि देश का बेड़ा गर्क कर जा रही है ना तो लोगों के अच्छे दिन आए हैं तो ना लोगों को 15-15 लाख रुपये खाते च आए हैं सो जो तेल आ भी विश्व रिकॉर्ड आ भारत एशिया सब तो महंगा तेल और भारत के विक रहा वा इन्ना महंगा तेल साढ़े पड़ोसी देश सड़ तो तेल लैके सस्ता बेचते और साढ़े देश के ही महंगा तेल विक रहा है और हर पास घटाले भ्रिष्टाचार चाहे रफेल ले लो चाहे तेल ले लो चाहे इन्होंने नोटबंदी की वो भी एक तरह का बहुत ही वड्डा घोटाला होया तुम देख ही लिया पिछले RBI वालों जो गाइडलाइन आई कि सारे नोट तकरीबन वापस आ चुके आ तां भी कोई काले धन की नज़र इन्हां दे विच किते नहीं पई हैगी सो देश दे लोकां नूं गुमराह किया गया भोले भाले लोगों ने जिहड़े धक्के खाधे बैंकों दे विच लैणा लग के मेरी मामा ने भैणां ने सो उहदे खिलाफ़ असीं अज प्रोटेस्ट कर रहे हैं तेल के खिलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले साल जो कि गैस का सिलेंडर 513 सी अज वो कि 850 रुपये का हो गया एड्डी कड़ी महंगाई की मार आ जिहड़ा एक साल के 350 तो उपर तेल का सिलेंडर का रेट कर दिता जा गया मेरी भैणां नूं बेनती आ ध्यान च रखा जाए कदे ना करियो पुल ना फड़ियो कमल का पुल मोदी सरकार।